अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत सारे इंसिस्ट के बाद और बहुत सारी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी एग्जाम्स में अपियर होंगे, फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड के और फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड के। क्योंकि हमें पता है कि इवन दोनों बोर्ड्स की जो है वो बुक्स चेंज हुई हैं, तो इस हवाले से उनको हेल्प आउट होगी इन तमाम के तमाम एमसीक्यूज से और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनसे और लॉन्ग क्वेश्चन से भी उनको हेल्प आउट होगी। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 17 मार्क्स, 17 पार्ट, यानी इन इन इस क्वेश्चन के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, जो सेक्शन ए है, उसमें सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं वो हैं 17 मार्क्स के और सब क्वेश्चन का जो एक नंबर है। ठीक है, अगर आपने उसको राइट जो है ना वो सिलेक्शन किया तो वो उसके मार्क्स जो है वो आपको मिलेंगे, और अगर आपने उसको बबल सही तरीके से फिल नहीं किया तो आपको उसके मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे, या आपको बबल को फिल करना होता है। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात सबको कि बबल को कैसे फिल करते हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोगों का कैसे होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं उसकी एक एक्स्ट्रा चीज जो है ना वो पिक्चर आपको ओवरले में डाल दूंगा ताकि आप लोग समझ जाए कि बबल को कैसे फिल करते हैं। और अगर आपने उनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया जिसको आपने दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया, तो उससे आपका जो है वो आंसर गलत हो जाएगा, और अगर आपने सर्कल भी कर दिया तो भी आपका जो है वो आंसर इससे गलत हो जाएगा। तो चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउड है, जैसे 9 मैट्रिक में आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, तो यहाँ पे आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होगा। फेडरल बोर्ड के अंदर आपको एमसीक्यूज के जो फॉर्मूलाएं हैं वो आपको लिखे हुए आ रहे होंगे, जबकि कराची बोर्ड में ऐसा नहीं है, उसके अंदर आपको एमसीक्यूज के फॉर्मूलाएं लिखे हुए नहीं होंगे, कॉन्स्टेंट्स वगैरह लिखे हुए नहीं होंगे। ठीक है, और अगर कोई भी ऑप्शन आपके पास आ रहा है, कराची बोर्ड में आपने उसका ऑप्शन का पूरा आंसर लिखना है, जबकि फेडरल बोर्ड के अंदर आपने सिर्फ बबल को फिलअप करना है। ठीक है, तो इस चीज का आपने भरपूर ख्याल रखना है कि आपके फुल 17 आउट ऑफ 17 मार्क्स जो है वो आ जाए। ठीक है, अगर किसी के कोई अगर इसमें कोई 17 आउट ऑफ 17 मार्क्स नहीं भी ले पा रहे तो कोई इश्यू नहीं है, कोशिश अपनी पूरी रखें कि भाई 17 आउट ऑफ 17 मार्क्स जो है वो पूरे आप लोग ले लें, ताकि आगे आप लोगों को जब आप इसका यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने जाएंगे तो तब भी आपको फिर इसमें आसानी होगी कि यहाँ पर यही वाले जो पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज है, मैं इनको लेकर जल्दी जल्दी आगे चलता हूँ, ये आप लोग देख लेंगे, ये अलग अलग होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो एमसीक्यूज है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन, हम सबको इसका आंसर पता है, मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, इसका आंसर जो है वो क्या है, कैंडेला है। सही है, जो जो मुझे पता है मैं उसके आंसर्स आपको बता दूंगा, जो मुझे नहीं पता वो आप लोग मतलब मुझे तो पता है, आप इसमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा तो फिर वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, तो इसमें आपको इश्यू होगा। पहले हमारा आंसर कैंडेला, और जी आप सबको पता है कि कांस्टेंट की डायमेंशन आप लोग निकाल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ पी इज गिवन बाय एज टू ईच अदर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, सर और एक फॉर्मूला आपके पास होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो दोनों में आपने जो भी फॉर्मूला आपको मुनासिब लग रहा हो वो आप लगा के पी की वैल्यू को आप आसानी से यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीन सही से नजर आ जाए। आगे चलते हैं हम अपने टॉप नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में है, इफ द डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इज गिवन बाय द डॉट इज सेम, तो कब सेम होता है, 45 डिग्री पे जो है वो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों सेम आंसर दे रहे होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ द टू बॉडीज मास ऑफ पुलिंग सेम मास एम कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। तो अब ये देखें, हर हर टॉपिक का जो है ना वो अलग अलग, हर हर एमसीक्यू का अलग अलग टॉपिक है, तो इस पे पूरे पे अलग अलग वीडियो बन सकती है, लेकिन हम ये कि इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, तो टू बॉडीज ऑफ द मासेस 20 किलोग्राम 30 किलोग्राम आर रोलिंग ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 30 विद देयर एक्सेलरेशन विल बी इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे जो है वो डिग्री का सिंबल लगेगा, और डिग्री का सिंबल मैं यहाँ से एक जीरो ऐड करके और इसको मैं डिग्री के सिंबल पे कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ जाए। प्लेन इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो 30 डिग्री हमें गिवन है, तो हमें यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन वाला फॉर्मूला लगाना है, ए इज इक्वल टू जी
साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, याद रखिएगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा की वैल्यू 0.5 होती है, यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू 0.5 होती है, और 0.5 को जब आप 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बिल्कुल इसका आंसर यही वाला है जो आपको नजर आ रहा है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेन सेम बिकॉज, क्यों सेम होती है? बिकॉज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो जीरो होती है, ये बात आपको याद रखनी होगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो है। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम व्हेन द लॉन्चिंग एंगल विल बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री 19। ये वाला हमारा एक्यूरेट आंसर है, 30 एंड 45। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू टॉर्क, इसका आंसर टॉर्क के बराबर है। द फिजिकल क्वांटिटी, ये इसका है, द फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूसेस द एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज, वो फिजिकल क्वांटिटी जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है उसको आप क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। ये वाला आंसर करेक्ट है। द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट वॉज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय कैवेंडिश, मैक्सवेल, आइंस्टाइन और न्यूटन। तो इसका जवाब न्यूटन है। आप देख लें कैवेंडिश या न्यूटन में से कोई एक होगा। कुछ चीजें हमारे भी जेन से निकल जाती है, तो इस पे आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा या चैट जीपीटी से देखें। आजकल के दौर में नॉलेज हर जगह पे आपको आसानी से मिल जाएगा, आप उसकी अथेंटिसिटी चेक कर लें और उसको जो है ना अपने अपने लिए फॉर द टाइमिंग जब तक आपको उसको लर्न करना है उसको अपने जेन में बिठा लें। तो इसमें से कैवेंडिश या तो न्यूटन में से कोई एक जवाब है इसका। द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ सर्टेन वेलोसिटी, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी मैक्सिमम इफ द लॉन्चिंग एंगल इज 45, 60, 75 या 30 डिग्री। जो भी लॉन्चिंग एंगल होगा उसके मुताबिक आपने यहाँ पर बताना है। फिर इसके बाद है आई क्रॉस जे इज इक्वल टू जे क्रॉस के, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? आई क्रॉस जे का डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है और जे क्रॉस के का आई के बराबर होता है। तो इसको जब यानी के क्रॉस आई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा जीरो के। तो इसका जो ऑप्शन है वो 4 आंसर है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल इज कंजर्व्ड इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, अगर नेट फोर्स पार्टिकल पे जो एक्ट कर रही है वो जीरो है तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, नेट टॉर्क बराबर होगी, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल होगी। तो इसमें से जो भी आपको आंसर ठीक लगे आप ये चैट जीपीटी पे स्टेटमेंट लिख के उसे डायरेक्ट इसका आंसर जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो अगर होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी जीरो होगा। अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्पैनर परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस ऑफ 0.15 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द नट, द मूवमेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द नट इज, आपने मूवमेंट ऑफ फोर्स आपको गिवन है, डिस्टेंस आपको गिवन है और आपको फोर्स गिवन है और आप यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि आंसर इसका न्यूटन मीटर में आ रहा है और टॉर्क में आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 0.15। तो इसका आंसर जो है वो जो भी आ रहा होगा वो आप मल्टीप्लीकेशन के बाद यहाँ पे उसका सिलेक्शन कर लेंगे। आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन अ स्पेस क्राफ्ट कैन बी क्रिएटेड, यानी आर्टिफिशियल ग्रेविटी स्पेस क्राफ्ट में किस तरीके से क्रिएट होती है ये बताना है, बाय ऑर्बिटल, बाय स्पिन, बाय वाइब्रेटरी, बाय ट्रांसलेटरी। तो इसका जवाब है स्पिन मोशन के जरिए, ऑर्बिटल मोशन जो है वो स्पेस क्राफ्ट में क्रिएट होती है। वन लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइट ट्रेवल इन वन ईयर, यानी ये वो डिस्टेंस जो कि लाइट ट्रेवल करती है वन ईयर में उसको क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। शो दैट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा ये बात याद रखिएगा कि सेक्शन बी में 14 क्वेश्चन हैं और कराची बोर्ड के अंदर इस सेक्शन के अंदर 4 जो है ना वो 9 सवाल आपने करने होंगे और एक सवाल जो है वो 4 नंबर का होगा, जबकि फेडरल बोर्ड में इस सेक्शन के अंदर आपको 14 सवाल करने और एक सवाल आपके पास 3 नंबर का होगा। ये पेपर पैटर्न का दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? तो इस हवाले से आपने जो है वो चीजों को जहन में रखना है। बस सवाल आपने दोनों, भले ये वीडियो फेडरल बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हैं या कराची बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हैं, दोनों सूरतों में जब भी आप इस वीडियो को गो थ्रू करेंगे तो आपने अपना माइंड बना लेना है कि आपने 4 मार्क्स से रिलेटेड जो है वो जवाब लिखने हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ आपने सवाल में नहीं इंक्लूड करनी, अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ जो है वो सवाल में इंक्लूड की तो फिर वो सवाल जो है वो आपका गलत हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें फिलअप करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अब यह सवाल है हमारा, शो दैट द एक्सप्लेनेशन, ये हमारा जो चैप्टर है वो डायमेंशन से आया हुआ है, इसको जरा आप लोगों ने सही तरीके से समझ लेना है कि ये डायमेंशन से जो है वो सवाल आया हुआ है। डायमेंशन का जो है टॉपिक फर्स्ट ईयर के अंदर भी है, रांची बोर्ड में भी और फेडरल बोर्ड में, दोनों बोर्ड के अंदर ये टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशन में दोनों बराबर आती है और डायमेंशन के लिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट का जरूर इस्तेमाल करना होता है, ठीक है?
फिर उसके बाद है शो दैट द टाइम पीरियड 2 पाई इज डायमेंशनली करेक्ट, यानी हमने बताने के 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट एल अपॉन जी आएगा और यहाँ पे हम इसको अंडर रूट एल अपॉन जी मैं इसमें ऐड कर दूंगा इमेज के अंदर, जब मैं लिखूंगा जब वीडियो डलेगी तो इसमें आपको ऐड होते हुए नजर आ जाएगी। फिर हमने इसके बाद है टू टग बोट्स आर टोइंग अ शिप, ईच एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ बिटवीन टू रोप्स 60 डिग्री, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, आपने रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है शिप के ऊपर। ये सवाल भी बहुत ही ज्यादा आसान है, इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, एंगल हमें गिवन है, एफ वन एफ टू की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमने आसानी से इसका आंसर निकाल लेना है। डिफाइन द स्केलर एंड द वेक्टर प्रोडक्ट, बहुत आसान सवाल, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट का डिफरेंस आपने बताना है और आपने ये बात बतानी है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर क्यों नहीं होते, और ए डॉट बी बी प्लस ए डॉट बी प्लस सी और ए डॉट बी प्लस ए प्लस ए डॉट सी दोनों बराबर हैं तो किस तरीके से, और दोनों बराबर नहीं है तो क्यों बराबर नहीं है। वैसे दोनों कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं, इस चीज को आपने प्रूफ करना है। तो कोई भी एक दो तीन फैक्टर्स कंसिडर करके हम ए डॉट बी प्लस सी को आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। व्हाट इज मेंट बाय आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑन विच द एक्सटर्नल फोर्सेज आर नॉट अप्लाइड, यानी वो सिस्टम जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड नहीं हो रही होती उसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। और प्रूफ करने आपको कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द इंटरैक्टिंग बॉडी इज कंजर्व, यानी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यहाँ पे वेरीफाई करना है, और मेरे साथ आप लोग रिपीट करेंगे वीडियो देखते हुए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। तो जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इन चीजों को अपने साथ साथ गो थ्रू भी करते रहिएगा। फिर हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ पीक ऑफ अ हिल इज कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन, यानी अपने मोशन के आखिरी सेकंड के अंदर ये जो है वो 30 मीटर तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पीक, आपको हाइट ऑफ द पीक बतानी है। तो बहुत आसान है, ये फ्री फॉल का न्यूमेरिकल है, फ्री फॉल मोशन के अंदर जब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम जी की वैल्यू 9.8 पुट करेंगे, तो इस चीज को आपने जो है वो जहन में रख लेना है कि यहाँ पर आपने इस सवाल में जी की वैल्यू 9.8 पुट कर दी है, सही है। और बाकी हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी और हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर है, तो फाइंड करनी है आपने हाइट ऑफ द पीक। तो आप एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी का फॉर्मूला भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप हाइट ऑफ द पीक निकाल सकेंगे। अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल एज इट टर्न्स ग्रीन। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे बताता चलूं, आपको कुछ सवालात ऐसे नजर आ रहे होंगे जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस बात का तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, अगर नहीं पता तो मैं भी बता देता हूँ कि एपीआईएससी के पैटर्न के मुताबिक अब जो पेपर आएगा वो एसएलओ बेस आएगा, तो उसमें से उन्होंने टॉपिक वही वाला कंसिडर करना है, लेकिन वो क्वेश्चन अपनी तरफ से बना सकते हैं, चेंज करके दे सकते हैं, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जो चीज आपने समझी हुई है, जो चीज आपने क्लास में अंडरस्टैंड किया हुआ है, कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, उसी के मुताबिक जवाब दें और आपको जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे। और एक और चीज, डोंट फॉरगेट टू कंसिडर द कॉम्प्रिहेंसिव और उसके अलावा जो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज के होते हैं खासतौर पर, उनको आपने जरूर कंसिडर कर लेना, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा एक और लिस्ट इसके अंदर आपको प्रोवाइड कर दूं ताकि आप लोग उसमें से भी समझ लें कि कौन कौन से जो है वो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोशिश कर दूंगा कि इसी वीडियो के अंदर आपको वो चीज भी मिल जाए। अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल एज इट टर्न्स ग्रीन, ये इस तरह का सवाल है, हो सकता है आ जाए पेपर में, डिस्टेंस मालूम करना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार एट अ टाइम, तो आप इसको आसानी से कहीं से भी देख के कर सकते हैं, आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद बुलेट वाला एक सवाल है, 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम, ये फायर्ड की स्पेलिंग एफ आई और फायर्ड फ्रॉम लिखा हुआ है, फायर्ड फ्रॉम अ 10 kg गन के से जो है वो वेलोसिटी बुलेट को फायर किया गया है और जिसकी वेलोसिटी हमारे पास है 1000 meter per second, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन, स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
अ 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप सबको पता है, m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2, और u1 और u2 आप इनिशियल और इनिशियल वेलोसिटीज के लिए कंसीडर करते हैं ऑब्जेक्ट 1 और 2 की, और v1 और v2 आप फाइनल वेलोसिटीज के लिए कंसीडर करते हैं ऑब्जेक्ट 1 और 2 की, ठीक है। इसके बाद एक सवाल है, 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू अ ब्लॉक, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, तो इसको भी आप लोग जरा देख ले, देख के कर लीजिएगा, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। कोशिश कर दूंगा कि आपको मैं इसके सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूं, नहीं तो ये वाली जो फाइल है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आसानी से आप लोग इन क्वेश्चन इस बैंक से, इस क्वेश्चन बैंक से आप बोर्ड के लिए और प्री बोर्ड के लिए अपने तैयारी कर दें। तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आपको निकालना है ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i - 4j + 7k। और याद रहे क्योंकि ये इतने सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बैंक है ये, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो अगर आप लोग किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सके तो उससे रिलेटेड कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मैं उसी से रिलेटेड वीडियो में उसको एक्सप्लेन करके आपको बता दूं। द पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg इन द xy प्लेन एट द इंस्टेंट इट्स कोऑर्डिनेट आर 2, 4, ये हमें कोऑर्डिनेट गिवन है डिस्टेंस के, ये हमें कोऑर्डिनेट गिवन है इसकी वेलोसिटी के, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, ठीक है। आपने क्या मालूम करना है, इट्स एंगुलर मोमेंटम आपने मालूम करना है, यानी एम वी आर मालूम करना है, और मास हमें यहाँ पे गिवन है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम सबको मालूम है, एम वी आर के बराबर होता है, तो उसी को अपने यहाँ पे अप्लाई करना है। व्हाट इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी डिराइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने डिराइव करना है इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। अब उसके बाद है, साइक्लिस्ट इज गोइंग अप विद स्लोप ऑफ 30 degrees with a speed of 3.5 meters per second. If he stops pedaling, how much distance will he move before coming to rest? Assume the friction to be negligible. आपने consider करने के friction negligible है, angle कितना 30 degrees का है और velocity आपको given है, तो किस तरीके से आप यहाँ से acceleration की value निकालते हैं वो आपने a is equal to g sin theta और इसका जो है वो formula आप यहाँ पे apply करेंगे। Define the range of the projectile. ये मोशन इन टू डायमेंशन पेडल बोर्ड के अंदर भी है और कराची बोर्ड में भी टॉपिक है, बहुत अहम टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, और आपने बताना है इसकी तीन एप्लीकेशंस है, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो तीनों को आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं, ताकि अगर कोई भी जैसे यहाँ पे आया हुआ है रिलेशन ऑफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल के जैसा यहाँ पे सवाल आया हुआ है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी हो सकता था और यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट भी हो सकता था, तो कोई भी सवाल यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ भी हो सकता है, टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी हो सकता है और यहाँ पे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी हो सकता है, सही है। तो दोनों सवाल जो है वो हो सकते हैं, तो आप इसको जरा तसल्ली से करके जाइएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉर्स अ पंप नीडेड टू लिफ्ट अ वाटर ऑफ 2.5 मीटर द रेट ऑफ 500 ग्राम पर मिनट, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम हॉर्स पावर। 1 horsepower बराबर होते हैं 746 watt के, इसी कंपैरिजन को आपने इस्तेमाल करते हुए जो है वो कन्वर्जन करनी है, और जो भी पावर आपके पास आएगी, यानी पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, तो उसी पावर के फॉर्मूला को आप इस्तेमाल करते हुए जो है वो एचपी के अंदर इसका कन्वर्जन करेंगे। अगर आपके पास पावर वॉट में आती है तो उसको एचपी में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर है 1 HP = 746 watt, तो आपने उसको इस्तेमाल करना है। फिर हमारे पास है, डाइवर लीव्स फ्रॉम अ टावर, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 7 meters per second एंड अपवर्ड वेलोसिटी और कंपोनेंट ऑफ 3 meters per second, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन इन वेलोसिटी आफ्टर 1 second, यानी 1 second के बाद जो कंपोनेंट है, जो उसकी वेलोसिटी है वो आपने बतानी है, ठीक है। फिर हमारे पास है, अ साउंड वेव प्रोपगेटिंग इन एयर, साउंड वेव जो है वो कर रहा है एयर में एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4000 hertz, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 4000 hertz है। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द वेवलेंथ व्हेन द वेव फ्रंट इनिशियली इन द रीजन वेयर टी इज इक्वल टू 27 एंटर द रीजन वेयर द एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस टू 10 degrees। तो ये साउंड से रिलेटेड जो है वो सवाल है, जिसमें आपको एक फ्रीक्वेंसी तो दी गई है और दो टेम्परेचर दिए गए, एक टेम्परेचर आपके पास 27 है और दूसरा टेम्परेचर 10 degrees। फिर आपके पास है, हाउ फार अपार्ट द डिफ्रेक्टिंग प्लेट्स ऑफ ऑर्डर NaCl क्रिस्टल
और विद द एक्सरे। अब ये ब्रैग्स लॉ का सवाल है, ब्रैग लॉ हमें सबको मालूम है, 2d sin θ = m λ के बराबर होता है। तो डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट और वेवलेंथ हमें यहाँ पे गिवन है एंगस्ट्रॉम में, ये हमें वेवलेंथ नजर आ रही है यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस आपको नजर आ रहा है, या आपको एंगल नजर आ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है m की वैल्यू आपको 1 गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ और अबव द अर्थ सर्फेस ऑफ द अर्थ और ट्वाइस द अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सर्फेस, यानी 2 times अगर अर्थ का रेडियस एड ऑन हो जाएगा तो ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा, ये आपने फॉर्मूला डिराइव करना है वेट की हेल्प से और ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट की हेल्प से। यानी न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का लॉ है FG = gm1 m2/r², उसको आपने रिलेट करना है mg से, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और g की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और g की वैल्यू जब आएगी तो जब आप ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन एट अ सर्टेन हाइट निकालेंगे तो उसमें उस हाइट को आपने ऐड कर देना है, यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ के अंदर उसको आपने ऐड कर देना है। तो याद रखिएगा इसको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन सी के ऊपर। याद रहे कि सेक्शन सी हमारे पास यहाँ पर जो है वो 13 और 2 26 नंबर का है, क्योंकि ये आपके पास फेडरल बोर्ड का पेपर है, सही है। कराची बोर्ड का पेपर भी इसी तरीके का होगा, बस उसमें फर्क ये होगा कि आपके पास चॉइस थोड़ी सी कम होगी और मार्क्स थोड़े से ज्यादा होंगे और क्वेश्चंस भी कम करने होंगे, ठीक है। तो ये फेडरल बोर्ड के मुताबिक पेपर जो है वो बना हुआ है। डिस्कस ए है, 2 का ए है, डिस्कस इन डिटेल वेरिएशन ऑफ जी विद द एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। एल्टीट्यूड और डेप्थ के साथ आपने वेरिएशन ऑफ जी बतानी है, बहुत डिटेल में ये सवाल है। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि आप आसानी से इसको देख लें। और ये सवाल, अच्छा यहाँ पर तो सारे सवाल जो थे वो 3 नंबर के थे, हम सबको समझ में आ गए कि ये चैप्टर, ये सेक्शन बी है, इसमें सबके सवाल जो है वो 3 नंबर के होंगे। लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ है, यहाँ पे कोई सवाल 4 नंबर का है, कोई सवाल 6 नंबर का है, और कोई सवाल जो है वो 3 नंबर का ही होगा। तो उस हिसाब से आपने उससे रिलेटेड जो है वो जवाब देना है, कोई ज्यादा रिलेटमेंट आपको डिटेल देने की जरूरत है नहीं। अगर आप रेलिवेंट डिटेल देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी इट्स अप टू यू, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला है तो वो पूछ ले। आगे चले, अ लेटर विद अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ मास m रेस्ट अगेंस्ट द फ्रिक्शनलेस वर्टिकल वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, द लोअर एंड रेस्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस वेयर द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इज स्टैटिक। तो ये आपको गिवन है, मास आपको गिवन है। इन द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क आपको मालूम करना है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटलेसनेस और इन द मोशन ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। इस सवाल को भी आपने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना, जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है उतनी करनी है, सही है। उसके बाद हमें यहाँ पे और गिवन है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले। चले, अ वुमन विद अ मास ऑफ 45 kg इज स्टैंडिंग ऑन द स्केल ऑफ एलिवेटर, a scale accelerates upwards with the constant of acceleration of 1.2 meter per second square, or what is the woman's weight as measured by her in the elevator, define and explain the inclined plane and derive the mathematical expression. फिर उसके बाद है define and the detail compound microscope, draw its label diagram and derive the mathematical expression. फिर हमारे पास है an astronomical telescope, ये वाला सवाल जो है वो पेपर में अब आता भी है, कभी कभार आ जाता है, कभी कभार नहीं आता, तो इसको भी आप लोगों ने इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। फिर ये आपके पास एक और क्वेश्चन पेपर है, इसकी मैं वीडियो इसके बाद बना दूंगा, तब तक आप लोगों को ये उसमें मिल जाएगा, जो लिंक का डिस्क्रिप्शन है वहां पर आपको ये मिल जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन पेपर को भी देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पेपर है इसी तरीके का, इसी तर्ज का क्वेश्चन पेपर है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है ये आपको मैंने सेक्शन सी में 2 सवाल दिए गए हैं और वहां पर सेक्शन 3 सवाल दिए गए थे और यहाँ पे 9 सवाल हैं। ये जो न्यू पैटर्न है उसके मुताबिक जो है ये पेपर बना हुआ है। और इसी तरीके से जो लास्ट है ये वाला भी आपके पास इसी तरीके का बना हुआ है, जो न्यू पैटर्न आया हुआ है, ठीक है। तो मैं ये अपलोड कर दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप इसको अपने तरीके से जरा देख के, पढ़ के, तसल्ली के साथ देख के इसकी तैयारी जरूर अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो तो उसको आप लोग आसानी से जो है वो लिंक में टाइप करके पूछ सकते हैं, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो उससे रिलेटेड फिर आसानी से हम वीडियो बना के उसके अंदर अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर
इतने सारे टॉपिक्स का एक्सप्लेन करना जो है वो नामुमकिन बात है, और अगर रफली बताया भी जाए तो आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल उसकी समझ में भी नहीं आएगी। ठीक है, तो बस यहाँ तक के लिए मेरी तरफ से, तब तक के लिए जब आप इसकी तैयारी करें अच्छे तरीके से, अगर कोई इश्यू है, कोई कंफ्यूजन है तो आप फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके।